हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके माइंड में जो पर्सन है या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। इस रिलेशनशिप को लेकर एक मैसेजेस हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इनिशियल्स, आपके इनिशियल्स, आपके इनिशियल पार्टनर के नहीं, आपके इनिशियल्स। और आप एक ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रो और टैरो रिगार्डिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शन पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर वन। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न करंट टाइम फ्रेम में आपको लेकर क्या है, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे। इस रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस हम देखेंगे, ठीक है। आपके इनिशियल्स में, टाइम स्टैम्प्स में भी इनिशियल्स डाल दूंगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस, थैंक यू। वाह, यहाँ पर कोई बर्ड जैसे केज्ड है, दूसरे बर्ड यहाँ पर जैसे उस केज्ड हुआ बर्ड को मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए आ रहा है। माय डियर, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, थैंक यू। टर्निंग इन, ए फोर ऑफ शॉर्ट्स है। ए पर्सन जैसे मेडिटेशन करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी फेसेस जैसे रुकावटें क्रिएट कर रही है। बहुत सारे फेसेस हैं यहाँ पर, कॉन्स्पिरेसी, और बहुत सारे फेसेस की वजह से, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ऐसे लोगों की वजह से मुझे पीछे एक डेविल भी दिखाई दे रही है। थैंक यू। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही माय डियर। आपके माइंड में जो पर्सन है बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर है पर्सन, और खुद बी योर सीक्रेट एडमायरर, और सीक्रेटली ऑब्जर्व करने वाले एनर्जी है। फाइटिंग, थैंक यू। सॉरो, डेफिनेटली इनकी लाइफ में, एंड जो यहाँ पर मुझे बार्स दिखाई दे रही थी, एक्चुअल में आप केज्ड नहीं है माय डियर। ए पर्सन की सिचुएशन जो करंट एनर्जी आ रही है, फाइटिंग एंड सॉरो कार्ड है, जैसे किसी तकलीफ में है, बहुत दुख दर्द किसी तकलीफ में ये पर्सन है माइनर, उसके साथ कॉन्स्टेंटली जैसे फाइट की जा रही है, उस तकलीफ के साथ फाइट किए जा रहे हैं माई डियर। एंड बैकग्राउंड में बहुत फेसेस की एनर्जी, जैसे इनको लेकर क्रिटिसिज्म होते हैं, इनको लेकर लोग बुली करते हैं, लेग पुल करते हैं, या फिर समहाउ जैसे ये पर्सन राहु जब 12th हाउस में होते कारागर योग बनते हैं। अगर वो पर्टिकुलरली अगर साइन वाइज भी अगर वो नीच स्थिति में है, तो इस चरम संभावना बना देते हैं कि जीवन काल में एक बड़ी साइकिल में इस तरह से स्टक हो जाए कि बाहर निकलना ही मुश्किल है। सो मुझे इनकी एनर्जी में वो दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही, इस स्ट्रगल फेज में ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इनकी। बट ए पर्सन फाइट कर रहे माय डियर, बट बहुत हद तक कोशिश कर रही है अपने आप को स्थिर रखने के लिए, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी पैरेलल हो रही है माय डियर। लेट्स सी, द मी यू लिविंग इन माई ड्रीम। ए पर्सन आपको याद करते हैं माई डियर, ए पर्सन आपको याद करते हैं, खासकर जब नंबर 10, दिस इज सन इन पाइसिस एनर्जी, जब निद्रा में जाने से पहले, आई मीन सोने से पहले, सन इन पाइसिस एनर्जी 12th हाउस की एनर्जी है। एंड सन जब 12th हाउस में बैठते हैं, कहीं ना कहीं एक बैड प्लेजर भी आते हैं, तो ये पर्टिकुलरली सेल्फ प्लेजर करते हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से लोनली है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दिस इज एक्चुअली हर्मिट कार्ड हियर विद दिस फाइटिंग सेल्फ प्लेजर एनर्जी। बट येस, उस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपको याद करते हैं, सन एंड पाइसिस एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज सेवन ऑफ कप्स, जहाँ पर एक पार्टी फंक्शन चल रही है, एंड ए पर्सन दूसरी एक लेडी को जैसे वो किस करे, हैंड पर किस करे माय डियर, बट मार्क्स की एनर्जी है। थैंक यू
थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड एंड दिस इज़ फोर ऑफ शॉर्ट्स, टू डिफरेंट डेक एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स यार। इनकी हीलिंग तो चल रहा है माय डियर, कोई हो सकता है कोई हेल्थ इशू भी चल रही थी परिवार की या फिर इनकी, वो भी ये पर्सन रिकवर करिए। बट ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको याद करें, बहुत ओवर थिंक कर रहा है माय डियर, बिकॉज सन एंड पाइसिस एनर्जी ये ड्रीम की बात करते हैं। हो सकता है आपके मतलब इनके साथ साथ आप भी इनको ड्रीम की हो रिसेंट पास्ट में, सो इज अ कन्फर्मेशन फॉर यू के पर्सन आपको ड्रीम करता है। अगर रिसेंट पास्ट में आपने इनको ड्रीम में देखी है, अचानक से इनकी नाम इनिशियल्स आपने कहीं जगह पर देखी है, तो इससे कन्फर्मेशन मैसेज फॉर यू कि पर्सन आपको याद कर रहा है माय डियर। फोर ऑफ शॉर्ट्स टू टाइम्स आई एंड फोर एंड सेवन नंबर इलेवन, ए पर्सन अपनी नॉर्थ और साउथ नोट को बैलेंस करें। अचानक से मेरे थ्रॉट चक्र में बड़ी दिक्कत हो रही बात करने में माय डियर, पर्सन की थ्रॉट चक्र से जुड़ी कुछ दिक्कत है माय डियर, बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड आपकी रीडिंग की आपकी पार्टनर की रीडिंग के दौरान ये हो रही है माय डियर, पर्सन बहुत आपको सोचते हैं, इवन ये आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं माय डियर, ये आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। Release your past. Thank you. You can do this. Yes. Constantly person अपने आप को अपने आप के साथ एक संघर्ष चल रही है कि कोई इनका कोई कुछ ना कुछ पास तो है जिसके साथ वो फाइट कर रही है, वो पर्सन केज्ड फील कर रहा है अपने आप को लेकर। तो ये पर्सन जैसे उस अपने आप के साथ लड़ रहा है एंड वो निकल भी रहा है, वो ओवरकम भी करे, बिकॉज टू टाइम्स फोर ऑफ शॉर्ट्स है। थैंक यू पर्सन, शायद इन दिनों हो सकता है बॉडी फिटनेस इन सारे चीज़ों पर थोड़ी झुकाव बढ़े, बिकॉज प्राणायाम मेडिटेशन हो सकते हैं उस चीज़ पर भी थोड़ी ध्यान लगा रही है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उसी तरफ होगा। लीव योर पैशन, ये आप पर्टिकुलरली जब आपके बारे में सोचते हैं एनर्जी में वो रौनक होती है माय डियर, वो रोशनी होती है, बहुत पैशनेटली यू नो फील करना, पैशनेट फीलिंग्स नज़र आ रही है इनकी आपको लेकर। बट इनका कोई टॉक्सिक पास्ट है माय डियर, बिकॉज रिलीज योर पास्ट एंड कॉन्स्टेंटली उसको लेकर कोशिश भी कर रहे हैं, जगलिंग भी कर रहे हैं माय डियर, बट अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, अभी भी मौजूद है ये पास्ट। एंड सून, ओ दिस इज लीव योर पैशन एंड सून एनर्जी, बहुत जल्दी हो सकता है अगर कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फाइट एंड सॉरो की एनर्जी है, जैसे थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच, जैसे दोनों मुंह बंद है, बट जैसे दोनों की ही जैसे कम्युनिकेशन बहुत हद तक नहीं हो रही है, बट बहुत जल्दी यहाँ पर एक मैसेज की एनर्जी आ रही है, पर्सन खुद से बात करेंगे, सभी के लिए ना हो बट मेजोरिटी के लिए मुझे एनर्जी आ रही, पर्सन खुद से ही बात करेंगे माय डियर। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। This is judgment, definitely. This is a breakthrough here. And जिस तरह से हवाओं में जैसे कोई पिरामिड जैसे अचानक से रिवील हो रही है एंड एक रेनबो निकल कर आ रही है, अचानक से कम्युनिकेशन होगा, जजमेंट इज लाइक ए रिजरेक्शन, इस रिलेशनशिप में एक रिजरेक्शन होगा। एंड बिकॉज अभी जैसे कुछ फाइटिंग की स्थिति चल रही है या फिर ब्लॉक्ड मूवमेंट चल रही है, बट रिजरेक्शन होगा एंड बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें होगा, बिकॉज मुझे बहुत छोटी सी पिरामिड की वो पॉइंट दिखाई दे रही है, पूरी दिखाई नहीं दे रही है, बट बहुत तेज़ हवा बह रही है एंड क्लाउड धीरे धीरे हट रही है माय डियर, रेनबो निकल कर आ रही है एंड ए पर्सन नस्ट एंड स्टैंड स्टिल अलोन खड़े हैं माय डियर। एंड इवन ये पर्सन आप सोशल मीडिया वगैरह में जब आप देखेंगे सेवन ऑफ कप्स, आपको लगेगा ये पर्सन काफ़ी खुश है माय डियर, काफ़ी ओके है किसी पर्सन के साथ, बट ऐसा नहीं है, इनका स्थिति बहुत ख़राब है माय डियर। थैंक यू एंड दिस इज एस ऑफ पेंटेकल्स, यस एस ऑफ पेंटेकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड, ये बहुत ही कमिटमेंट, जैसे आने वाले समय काल में ये बात से बात करना नहीं है, कमिटमेंट देना चाहेंगे माय डियर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रही है। बट ये पर्सन थोड़ी अभी जैसे स्थिति इनकी बहुत विपरीत है, बिकॉज केस एनर्जी एंड आप इनके लाइफ में वो एक उड़ता हुआ बर्ड है जो शायद इनके लिए वो आसमान है एंड जहाँ पर वो कम्फर्टेबल है, आपके साथ कम्फर्टेबल है। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, बट ये पर्सन अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, थोड़ी टाइम इनको देना होगा, बिकॉज इस सॉरो कार्ड आई है, फाइटिंग जैसे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है माय डियर इनकी, किसी का डेथ वगैरह भी हो सकता है रिसेंट पास्ट में, किसी को इन्होंने खोई है, बट इस मूड इनका जो करंट एनर्जी इज अ वेरी स्ट्रगलफुल एनर्जी माय डियर।
लेट्स सी स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. थैंक यू. पैशन ए मैग्नेटिक एंड सिडेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट. आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है. दिस इज दैट्स व्हाई लीव योर पैशन. मैं आपको बोली थी आप इनके लिए वो एक खुले आसमान के जैसे हैं, एक सन के जैसे है अगर मैं सिंपली कहूँ. एंड दैट्स व्हाई रिलीज योर पास्ट एंड सनराइज हो रही है. बट इस पर्सन को थोड़ी टाइम देने की ज़रूरत है. पर्सन जैसे इतना कुछ लाइफ में बर्दाश्त की है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में चाहत तो है बट डर भी है. थैंक यू मस्पेट गाइड. मैं थोड़ी मैसेजेस देखूँगी इनकी इनकी तरफ से आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपको. थैंक यू व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी पर्सन की ओर से. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. थैंक यू. क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. एंड आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर नज़र आ रही पर्सन ऑब्जर्व करते हैं आपको और स्पाई और जैसे इस पॉइंट को ये पर्सन देख रहा है कि कब तक ये पिरामिड पूरी तरह से क्लाउड से फ्री हो जाए, पूरी तरह से देख पाऊँ. तो ये पर्सन शायद सोशल मीडिया में आपको देखते हैं या फिर बात करना चाहते हैं. थैंक यू. देखते हैं माय डियर, इज़ अ वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर. थैंक यू पर्सन की मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके ब्लेसिंग. बॉटम ऑफ द डेक. आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. इट मीन्स ये अपने आपकी ट्रू फीचर को आपसे छुपा रहा है माय डियर. वो एक्चुअल में क्या है मैं आपको अगेन कह रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर. एंड विद दिस सेवन ऑफ कप्स इज अ इल्यूशन. मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो आप इनको देखते हो वो एक्चुअल में वो नहीं है. थैंक यू मस्पेट गाइड. थैंक यू. लेट्स सी. आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स. ओ इनर चाइल्डहुड वूंड्स, बचपन से जुड़ी कुछ तकलीफ. इनर चाइल्डहुड में बचपन में माता पिता से जुड़ी या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रामा वगैरह इस पर्सन को है माय डियर. आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस. एंड आप दोनों को लेकर चर्चा होंगे. पीपल क्रिटिस, मैं बोल रही थी ना क्रिटिसिज्म, बहुत सारे फेसेस की एनर्जी आ रही है. कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच कल्चर को कास्ट को लेकर. आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी. आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी. ये पर्सन धीरे धीरे फील करे कि आप इनको पसंद करते हो या फिर ऑब्जर्व करते हो, देखते हो. समहाउ इस पर्सन को पता चला है माई डियर. आई नीड मोर टाइम. यस, ये सून बताया हुआ है बट ये थोड़ी और टाइम की ज़रूरत है. एंड जब ये पूरी तरह से हील हो जाएंगे वेरी सून वो पर्सन आपको मैसेज करेंगे, खुद से ही करेंगे माई डियर. मुझे वो एनर्जी, आई नीड मोर टाइम. दैट्स व्हाई वो टाइम मांग रहा है. वन मोर मैसेजेस स्पिरिट गाइड. वन मोर मैसेजेस. थैंक यू. वन मोर मैसेजेस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड. ये पर्सन खुद से ही चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं माय डियर. एंड बॉटम ऑफ द डेक. आई रियली हैव नॉट बीन हैप्पी विदाउट यू. डेफिनेटली पर्सन आपके बिना खुश नहीं है. मैं वो तो आपको बोल ही रही थी, सौड़ो कार्ड आ चुके हैं. तो एनर्जी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, लोनली फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. वेलकम ग्रुप नंबर टू. चलिए देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है, क्रश हो, रिलेशनशिप में हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं. करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस एंड इस रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल एक गाइडेंस. ओके चलिए देखते हैं. इनिशियल्स मैं डाल दूंगी, आपके इनिशियल्स हैं, मैं टाइम स्टैम्प्स में भी डाल दूंगी. थैंक यू. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलिए. आउटसाइडर. ए फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है माय डियर. थैंक यू. आउटसाइडर एनर्जी. ओके, किसी ने बाहर फेंक दिया एकदम. एंड द ब्रेक थ्रू. या आपके साथ इनकी कोई कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन है क्या ग्रुप नंबर टू, आपकी पर्सन के साथ मतलब, और जो ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ. आउटसाइडर एंड द ब्रेक थ्रू एनर्जी. इस कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू दिखाई दे रही है और इनकी खुद की जीवन में हो सकता है माय डियर. आउटसाइडर एनर्जी आ रही है. फाइव ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली हो सकता है कि पर्सन बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था या फिर करियर वाइज वो अपने आप को स्टेबल
करने की वो प्रोसेस में है, जॉब वगैरह दे रही है, बट बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आने जा रही है, एक रिजरेक्शन आने जा रही है। लेट्स सी, थोड़ी करंट एनर्जी देखते हैं इनकी। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। फीलिंग ऑफ एवकेंट हार्ट नंबर 3, थैंक यू। ओ, इंडल्जिंग इन द इम्पॉसिबल प्लेजर, इंडल्जिंग इन द इम्पॉसिबल प्लेजर, एंड हियर इज़ द डेविल कार्ड हियर, एंड यहाँ पर एक इंटीमेसी चल रही है, बट इम्पॉसिबल प्लेजर। एंड जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी, मुझे वाइब्स आ रही थी इस पर्सन में हाई सेक्शुअल एनर्जी है, इट्स अ वेरी सेडक्टिव हाई सेक्शुअल एनर्जी। एंड इस पर्सन, आई एम रियली सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, बट आपकी पार्टनर हो सकते हैं पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थे, इंडल्जिंग इन द इम्पॉसिबल प्लेजर, बट नाउ बिकॉज द फीलिंग्स ऑफ आउक एंड हर्ट, धीरे धीरे चीज़ें में, बिकॉज वो भी एक कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में, वो एक शैडो है, सबकी लाइफ में होते हैं माय डियर, शैडो एंड लाइट सेल्फ, देव और दानव एनर्जी। तो ये एक्चुअल में वो दानव एनर्जी है, राइट, दानवी एनर्जी है। तो वो धीरे धीरे उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, उस एनर्जी से शिफ्ट हो रही है ये पर्सन जो चल रही थी बैकग्राउंड में। बहुत अननेसेसरी रिलेशनशिप लाइफ में रैंडम आए एंड रैंडम चले भी गए, टिका नहीं रिलेशनशिप, जैसे उस टाइप का एनर्जी आ रही है। थैंक यू। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आपके साथ ही कोई रिलेशनशिप में थे, पर्टिकुलरली फिजिकल रिलेशनशिप में थे, एंड बिकॉज ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों में सेपरेशन आ गई, एंड अगेन धीरे धीरे पर्सन रियलाइज़ करी है अपनी गलतियाँ को हो, या फिर अपनी जो उन्होंने पास्ट में की है उसको लेकर रियलाइजेशन हो रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी। थैंक यू। किंडर्ड पार्टनरशिप नंबर 1 प्यूपिल कार्ड, ऐसे पर्सन काफ़ी सेडक्टिव क्वालिटीज़ तो इनकी है, माय डियर, अपोजिट सेक्स काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं हमेशा ही, आप देखेंगे पर्सन काफ़ी मौज मस्ती मतलब करते रहते हैं, बहुत यू नो दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, या फिर अपोजिट सेक्स की फॉलोअर्स काफ़ी होंगे, अगर ये मेल फीमेल जो भी है माय डियर, बट समहाउ किंडर्ड पार्टनरशिप मतलब एक इस वेरी होली, इस वेरी सैक्रेड एक कपल की बात कहा जाता है। ये हो सकते हैं आप दोनों की बातचीत यहाँ पर हो रही, थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं, बट नो डाउट शुरू में ही मुझे एनर्जी में हाई पैशन, हाई सेक्शुअल एनर्जी, फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसे वाइब्स आए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपको लेकर, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। थैंक यू। मेक द एफर्ट्स, किसी एक को एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जा रही है, बट दिस अ कपल हियर अगेन, दिस ऑटर कपल, यस दिस एक्चुअली डिवाइन कपल, बोथ ऑफ यू जस्ट मेड फॉर इच अदर। थैंक यू। दिस इज एक्चुअली मेल एंड फीमेल ऑटर। थैंक यू। पेशेंस, ब्रेक थ्रू एंड पेशेंस विद दिस आंसर अराइविंग, डेफिनेटली पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, एंड मेक द एफर्ट्स आ रही है। किसी एक पर्सन को यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पुश करने की ज़रूरत होती है, या फिर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है, एंड ये वो पर्सन है, अगर आप इनको मैसेज करते हैं ना, तो ये 2 to 3 days और 10 दिन के बाद शायद जाकर रिप्लाई करते हैं, देख लेते तुरंत, ये तुरंत देखते जब आप भेजते विद इन सेकेंड, शायद ये पर्सन अगर ऑनलाइन है देख लेते हैं, बट रिप्लाई करने के मामले में पर्सन बड़ी डिले करेगा माय डियर। ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी जैसे धक्का लगाना पड़ता है इनको। थैंक यू मस्पेट का, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। स्प्रिंग एनर्जी, वाओ, स्प्रिंग इज़ अ ग्रोथ कार्ड माय डियर, एंड दिस इज़ टू बी, ओ वाओ, दिस इज़ सोलमेट एनर्जी, टू बी इन लव, दिस इज़ अगेन सोलमेट कार्ड, सोलमेट ए पर्सन के साथ आप, एंड दिस इज द नंबर 11 कार्ड हियर, ब्रेक थ्रू, जस्टिस एनर्जी हियर, एंड डेफिनेटली पर्सन आ रहा है माय डियर, एफर्ट्स लगाने के लिए पर्सन आ रहा है, एंड यहाँ पर एक यूनियन भी, एंड इस एनर्जी में आप दोनों के साथ कनेक्शन में एक डिवाइन यूनियन भी नज़र आ रही है, सैक्रेड डिवाइन यूनियन, एंड जिस तरह से फ्लो में आ रही है, एफर्टलेसली जैसे फ्लो कर आ रही है, जैसे एफर्टलेसली वो आएंगे, थोड़ी एफर्ट्स हो सकता है, ये जो एफर्ट्स लगाने की बात आ रही है ना, ये थोड़ी अपने दिल को समझाना हो सकता है, पर्सन अपने आप को रेडी कर रहा है माय डियर, ये पर्सन मेक द एफर्ट, ये अपने आप को रेडी कर रहा है माय डियर, बट रिलेशनशिप के मामले में इस पर्सन के साथ मुझे लग रही है पर्सन को थोड़ी यू नो समझते हैं सब कुछ, बट
ये ना बहुत रिस्पोंड करने का जो प्रोसेस है और जो तरीका है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब सामने वाले के लिए ये बहुत विरक्ति के कारण आ सकता है माय डियर। इनकी रिस्पोंस करने की जो तरीका है, थैंक यू मस्ट स्प्रेड गाइड, आई डोंट नो हाउ कैन आई से, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग एनर्जी पर्सन आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। बट आप सिर्फ सिर्फ देख रही हो कि वो बीच में लैंड करने ही वाला है, लैंड पे आना आने वाला है, बट कंटिन्यूसली आप देखते ही जा रही हो, बट वो आ नहीं रहा है, वो पहुंच वो बिल्कुल हाथ के पास नहीं आ रही है, वो जैसे आप टच कर सकते हो। सो एक कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रही है कॉन्स्टेंटली, बिकॉज अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे बीच आ रही है, कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, बट कब तक? तो ये इस एनर्जी में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, इस पर्सन के बिहेवियर में सामने वाले के लिए डील करना बहुत दिक्कत है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। एंड इस पर्सन में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, सेडेक्टिव क्वालिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग सेडेक्टिव क्वालिटीज़। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। दैट्स व्हाई एट ऑफ कप्स एनर्जी। बट इस डेक में ए पर्सन दो पर्सन को लेकर जगलिंग करें, एक ही जगह पर एक ही साथ में, मतलब एक साथ में ही दो लेडी हैं जगलिंग करी है। हो सकता है पर्सन पहले डिवोर्स वगैरह हो चुके पर्सन की, या फिर रिलेशनशिप चला है माय डियर, अभी भी वो मौजूद दिखाई दे रही है। एंड पर्सन कंटिन्यूअसली, एंड यू आर वन ऑफ देम, डजेंट मैटर आप मेल और फीमेल जो भी है, बट कंटिन्यूअसली पर्सन दो फीमेल की और दो मेल के बीच चल रहा है माय डियर इनका लाइफ। दैट्स वाई मैं आपको बोली थी ए पर्सन में हाई सेक्सुअल एनर्जी है, एंड ए पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रही माय डियर। ए पर्सन आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं, एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, बट सामने वाला और भी एक पर्सन यहाँ पर मौजूद है जो कहीं ना कहीं इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर पूरी तरह से इनके साथ बंधी हुई है ये पर्सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एनर्जी, थैंक यू। क्वाइट पॉसिबली आपकी एनर्जी हो सकता है माय डियर, एंड विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड कंटिन्यूसली आप इनके लिए वेट करते जा रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट दे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कब तक वो फीडबैक दे माय डियर। बट इनकी हालत देखिए, दिस इज टू फीमेल और टू मेल हियर माय डियर, ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, बट कंटिन्यूसली जगलिंग एंड यू आर वेटिंग एंड वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़े लीगल इशू की एनर्जी आ रही है, शायद वो लीगल इशू, बिकॉज हाई प्रिस्टेस एनर्जी डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ काम नजर आ रही है कि वो कंप्लीट हो जाए, देन वो आपकी तरफ प्रोसीड कर पाएंगे, आपकी तरफ मतलब स्टेप्स ले पाएंगे, कोई एक्शन ले पाएंगे माय डियर। दिस इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक कमिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, जहाँ पर एक मेल एक फीमेल की पिक्चर बना रही है, ड्रॉ कर रही है, पेंटिंग कर रही है माय डियर। तो डेफिनेटली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों को, मतलब आपको लेकर ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में एक मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हैं, बट स्टिल यहाँ पर कुछ तो एक लीगल एनर्जी, और हो सकता है पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो उस जगह पर कोई पर्सन इनको चाहते हैं माय डियर। मुझे स्ट्रांगली वो एनर्जी की वाइब्स आ रही, कुछ डेफिनेटली दो एनर्जी है माय डियर, दो, एंड यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कुछ उत्सव, कोई जैसे सेलिब्रेशन हो रही है, ये पर्सन झांक कर देख रहे हैं, ये पर्सन भी शायद उस जगह पर जाना चाहते हैं या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत टाइम से छुप कर जैसे देख रहा है इस सेलिब्रेशन को। क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, ऑब्जर्व एनर्जी, दिस इज द फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड हियर, यस। पाथ बड़ी रफ एंड रिजिड है, एंड दिस इज़ एक्चुअली वो मंजिल है, घर है, विवाह हो, शादी हो, तो पाथ बहुत स्मूथ नहीं, जैसे पहाड़ एक पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर कर जाना पड़ेगा इस जगह पर। तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप के सफ़र है ना, वो स्टेबिलिटी की ओर तो दिखाई दे रही, बट दिक्कत होगा बहुत, मतलब बहुत जैसे सीढ़ियाँ बहुत चढ़ना पड़ेगा माय डियर, तो बहुत स्टेप्स है इस रिलेशनशिप में। थैंक यू। एंड दिस इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ कंपेटिबिलिटी का भी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डिनाइल हो सकते, मतलब बहुत सारे लोग इसको रोकने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन पर्टिकुलरली हो सकता है कि आने वाले समय काल में एक पर्सन ही हो जो स्टैंड लेंगे माय डियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डिनाइल है, नहीं चाहेंगे कि आप दोनों यूनियन पर आए माय डियर। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी कि पाथ इज़ नॉट वेरी स्मूथ, बट मंजिल तो तय है माय डियर, बिकॉज स्प्रिंग कार्ड भी आई है, यूनियन भी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर मुझे आई डोंट नो हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मुझे अगेन वो अट्रैक्शन दिखाई दे रही है कि कुछ है जो शायद रिलीज करना
ज़रूरी है डॉक्यूमेंट से जुड़ी। एंड हो सकते कोई एक पर्सन एजेड हो चुके, जैसे लंबी टाइम से शादी की उम्र चली जा रही है, शादी नहीं हो रही है, आप वेट कर रही हो उस पर्सन के लिए। लेट्स सी, वाओ दिस इज़ एक्चुअली द सैक्रेड यूनियन हियर। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। मैं आपको बोल रही थी कि आएंगे, थोड़े टाइम लेंगे माय डियर, बट यूनियन तो दिखाई दे रही माय डियर। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए, ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस उनके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, आई नीड सिक्योरिटी। थोड़ी इनसिक्योर वाइब्स है इनका माय डियर, आई नीड सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई हाई प्रिस्टेस कार्ड हियर। ये पर्सन बिकॉज ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स हियर, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, पर्सन अभी बहुत मतलब बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। थैंक यू, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये आपको बता रहे, प्लीज़ चले मत जाओ, थोड़ी और वेट करो, डोंट मूव ऑन। वाओ, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, मैं आपको बोली थी फोर ऑफ वॉन्ट्स कार्ड है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी, डोंट मूव ऑन। वाओ, आई नो यू आर द वन फॉर मी, एंड दैट्स वाई मुझे ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी को देख कर मुझे लगी थी कि इनका एनर्जी नहीं है। आई नो यू आर द वन फॉर मी, कि ये पर्सन जानते कि आप इनको लेकर वेट कर रहे हो माई डियर। हाई प्रिस्टेस, यू आर द वन फॉर मी, कि चाहे लाइफ में मैं जैसा भी हूँ, आप इनके लिए जैसे वेट करते जाएंगे। ये पर्सन जानते हैं कि जैसा भी है आप है इनके लिए, तो मुझे वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आने, खुद भी इसको एक्सेप्ट करें माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड, हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी माइंड में अभी जो पर्सन है, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर वो क्रश हो, क्या वो आपको लेकर सोचते हैं, क्या फीलिंग्स थॉट पैटर्न है, करंट एनर्जी क्या है, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, ओवरऑल इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। इनिशियल्स, आपके इनिशियल्स मैं टाइम्स में भी डाल दूँगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रो और टैरो रिगार्डिंग, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कुछ करंट एनर्जी देखते हैं इनकी। आइसोलेशन, 3 ऑफ शॉर्ट्स, डिटेस्ट, डिस्टेंस एनर्जी आ रही है, जैसे ब्लॉक्ड डिस्टेंस एनर्जी। बातचीत तो नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता इनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, आइसोलेशन एनर्जी आ रही है। ओह, दिस इज़ 8 ऑफ कप्स, एनर्जी इज़ वेरी हैवी माय डियर। इनकी ग्रुप नंबर 3 की जो पार्टनर है, जो जिसको लेकर आप सोच रहे हो, एनर्जी बहुत हैवी है, मतलब दिस इज़ 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई खैवास कंफ्यूज सिचुएशन बनी हुई है, बातचीत नहीं हो रही, एकदम से ब्लॉक हो चुकी सिचुएशन, और इनकी लाइफ में आइसोलेशन और 8 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में जैसे बहुत सारे मतलब बहुत हेवी कोई पीड़ा वगैरह है माइंड है, जैसे वो हेल्थ से जुड़ी हो, या फिर अपने रिलेशनशिप से जुड़ी, एंड ए पर्सन उसको लेट को करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ग्रुप 2 की एनर्जी में थोड़ी उनकी एनर्जी में वो दिक्कत थी, बट समहाउ वो लेट को कर पा रही, बट इस एनर्जी में जैसे लेट को करने में भी दिक्कत हो रही। मुझे बहुत आई ड्रॉप, जैसे रो रहे ए पर्सन माय डियर, क्राइंग फॉर समथिंग माय डियर, या फिर किसी चीज़ को लेकर बड़ी पश्चाताप है इस पर्सन को। कुछ और मैसेजेस देखते हैं, एनर्जी इज़ वेरी हैवी। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। लाइक ए फ्लावर इन स्प्रिंग एनर्जी, ये एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। स्प्रिंग एनर्जी में ग्रोथ होते हैं, एंड वेनस इन एंड कंटिन्यूसली मुझे जैसे ये पर्सन रिसेंट पास्ट में हो सकता है कुछ खोया है, पर्सन ने रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ को खोने की एनर्जी आ रही है, किसी का डेथ हो, या फिर कोई जॉब वगैरह चली गई है, मतलब इनका सिचुएशन बहुत ख़राब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। फियर ऑफ लव, नंबर 26 में बोल रहे थे, डर, जैसे एक डर भी है प्यार में पड़ना हो, प्यार करना हो, बिकॉज कोई हादसा वगैरह इनकी लाइफ में हुई है, अगेन वो प्यार में नहीं पड़ना, या फिर ए पर्सन शादी से बड़ी डर हो सकता है इस पर्सन को माय डियर, बंधन में अपने आप को बांधने में बड़ा डर है, जैसे इस पर्सन को किसी बंधन में अपने आप को बांधना नहीं चाहते हैं,
शायद ऐसी कोई एक्सपीरियंस इनके पास है, मतलब हो सकता है इवन इनकी माँ से जुड़ी हो, इनकी पिता से जुड़ी हो, कुछ एक्सपीरियंस, टॉक्सिक एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं कि इनकी खुद की लाइफ में हो, कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने मतलब किसी पर्सन से सुनी है, या फिर आई डोंट नो, फियर ऑफ लव, जैसे पर्सन को जैसे कह रहे कि नो इन लव, मुझे प्यार नहीं चाहिए, दिस काइंड ऑफ एनर्जी. एंड लिमिटेशन नंबर 16, प्यार एक कैसल में बंद पड़ी है जैसे माय डियर, एंड बरसों से जैसे बहुत पुराने अगर कैसल हो, जैसे धीरे 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 बहुत अननेसेसरी ग्रास वगैरह निकल जाते हैं, एंड बहुत हिडन एंड सीक्रेटिव मिस्टीरियस पर्सन है माय डियर आपकी जो पार्टनर, इज़ वेरी हैवी. ग्रुप वन ग्रुप टू से भी ज़्यादा आपकी पार्टनर की एनर्जी हैवी है, एंड ह्यूज कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस है. मुझे धर्म से भी जुड़े डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस, आप दोनों के बीच लिमिटेशन बहुत है माय डियर. बाउंड्री बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, बहुत स्ट्रांग ये पर्सन, मतलब एकदम से आकर आई लव यू बोल दे, माय गुडनेस, ये तो वो एनर्जी है ही नहीं, बहुत हैवी एनर्जी है. थैंक यू. एंड ये पर्सन ना अपने प्यार को, मतलब बिकॉज ए रेड हार्ट जैसे बहुत सारी यू नो अननेसेसरी ग्रास वगैरह ने ढक दिया है, इस मीन्स इस पर्सन को एक बार अगर तकलीफ किसी ने दिया है ना, तो ये लेट गो करने में इनको बड़ी दिक्कत होती है. बहुत ही सॉफ्ट हम्बल एनर्जी है, बहुत सेंसिटिव एनर्जी, नॉट वेरी, मैं स्टेबन नहीं कह रही हूँ, कहने का मतलब है एनर्जी, एनर्जी में ना बहुत केतु, मून, अष्टम, ट्वेल्थ हाउस, मून, मून अगर अमावस्या की मून हो, चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति में मून और सन ये दोनों ही अगर मतलब अफेक्टेड हो मैलिफिक प्लैनेट से, तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें फॉर्म होते हैं. विक्टिम मेंटालिटी है इस पर्सन की, इस पर्सन में विक्टिम मेंटालिटी है, बट ये पर्सन शायद ये दिखाते नहीं है माय डियर, लाइक फ्लावर इन स्प्रिंग, ये दिखाते नहीं ऐसे, वे बहुत नीट एंड क्लीन, क्लियर, फाइन, आई एम ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी दिखाते हैं. फाइव लियो दिखाते हैं, बट नो. थैंक यू. इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन नंबर 3, स्प्रिट कार्ड आई है. ये पर्सन जैसे धीरे धीरे ऑकल साइंस हो, स्पेल वगैरह करना हो, इन सारी चीज़ों पर इंटरेस्ट हो रही है, एंड झुकाव बढ़े माय डियर, एंड आप दोनों के बीच एक टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड रहेंगे. आप देखेंगे पर्सन अगर कोई प्रॉब्लम में है, बातचीत अगर नहीं भी हो रही है, फिर भी किसी न किसी कारणवश उनकी कुछ करंट एनर्जी की आभास आपको हो ही जाएंगे माय डियर. एक दूसरे को मैनिफेस्ट आप कर रही हो, इंट्यूशन मतलब टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहना, एंड इनकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एंजल नंबर आपको दिखेंगे. पर्टिकुलरली इस पर्सन को जब आप सोचेंगे, उसके बाद ही आपको कोई एंजल नंबर दिखेंगे. ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है माय डियर. थैंक यू, थैंक यू सर. ये पर्सन जितना ही, जितना डर की, डर में जी रहा है, फिर भी अफेक्शन तो चाहिए, वो प्यार तो चाहिए माय डियर. तो दैट्स वाई ये वो एनर्जी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, योर पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेटेड, एक मार्क्स की जैसे एनर्जी है इनमें. खुलकर कुछ बताते ही नहीं है, दिल में चल क्या रहा है, और जो बताते हैं वो आधा सत्य है. बैलेंसिंग एनर्जी हो सकता है पर्सन की, यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है, धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है. बहुत इन एनर्जी में थे, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, भावुक एनर्जी में थे, धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, समहाउ इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है. दिस इज योर सोल मेट. थैंक यू. यू आर वर्दी ऑफ लव, दैट्स वाई फियर ऑफ लव के बाद यू आर वर्दी ऑफ लव. मैं आपको बोल रही थी ना, विक्टिम मेंटालिटी है, धीरे धीरे इनकी रियलाइजेशन हो रही है, इस रिलेशनशिप को लेकर ये पर्सन समझ रहा है माय डियर. थैंक यू. एक्सपेक्ट मिराकल्स. यस, ये पर्सन जाग रहा है, बट इट टेक्स टाइम. ये जागेंगे माय डियर, एंड ये बोलेंगे, बट इनका थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक है माय डियर. बहुत इनडायरेक्ट मैसेज करेंगे पर्सन ना, डायरेक्ट मैसेज करने वाले भी एनर्जी. इवन मुझे फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया में हो, किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से यू नो कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, मुझे उस टाइप की भी एनर्जी नज़र आ रही है, बट डायरेक्टली आने में थोड़ी जैसे इनको दिक्कत होती है. दिस इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक मेल पर्सन कुछ काम वगैरह करिए, तीनों फीमेल इनके ऊपर नज़र रखी हुई है. वेरी सिलेक्टिव क्वालिटीज़, मतलब पॉजिटिव सिलेक्टिव क्वालिटीज़ है. पर्सन वर्कहॉलिक है माय डियर, अपनी फाइनेंस करियर पर ए पर्सन बिजी है, बट बहुत सारे महिला हो, अगर ए पुरुष है, और अगर ए फीमेल है तो डेफिनेटली मेल अपोजिट सेक्स होगा. बहुत खिंचाव है इन लोगों की, मतलब चाहते बहुत लोग हैं इनको माय डियर, सिंपली.
इनकी बॉडी शॉडी, इनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो ही कुछ अलग है माय डियर, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक लियो की एनर्जी आ रही थी। थैंक यू। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल नाइट ऑफ वांड्स, हाथ में एक बुके है एंड दिस इज़ सिमिलर पोस्चर, यहाँ पर जो कोई मूर्ति वगैरह रखी हुई है, वेरी सिमिलर माय डियर। ये पर्सन, इस पर्सन के पास आपकी कोई पिक्चर वगैरह हो सकती है माय डियर, पिक्चर आई डोंट नो, या फिर कलेक्ट की है कोई इन्फॉर्मेशन एंड वेरी क्यूरियस एंड पर्टिकुलरली पर्सन चाहते हैं आपको कुछ ऑफर करने के लिए, बताने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई पर्सन कंटिन्यूसली डर रही है, बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच ह्यूज एक डिफरेंसेस है, कल्चर का, बैकग्राउंड का, रिलीजन का, एक यहाँ पर एक डिफरेंसेस डेफिनेटली है माय डियर, एंड ये बहुत स्ट्रांग है, तगड़ा डिफरेंसेस यहाँ पर है, कोई माइनर नहीं है। लेट्स सी, एंड दिस इज़ फाइव ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, पर्सन जैसे बहुत सारे लोग यू नो पीछा करे जैसे, एंड ये पर्सन भाग रहा है उस पर, इस डेविल एनर्जी से बहुत सारे लोग जैसे इनका पीछा करें माय डियर, फाइव ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। ओके, लेट्स सी, एंड विथ दिस नाइट ऑफ वांड्स, टू टाइम्स नाइट ऑफ वांड्स, काफ़ी पैशन है आपको लेकर माय डियर। ओ ओके, दिस इज ये पर्सन, ये जो लोग है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो यू नो लव है माय डियर, ये आपका फीलिंग, आपके लिए वो फीलिंग्स हो सकता है, आपके लिए वो पैशन हो सकता है, ये पर्सन उससे भागने की कोशिश कर रहा है माय डियर कंटिन्यूअसली, बट जितना ये भागने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो यादें, मेमोरी जैसे स्ट्रांग हो रही है जैसे, एंड ए पर्सन आई डोंट नो, जैसे ये पर्सन आपसे भागना भी चाहते और भाग भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते दूर भी नहीं जा पा रही है, तो ये खींचातानी चल रही है इनके मन में, ये पर्सन ऑफर भी करना चाहते भाग भी, भागना भी चाहते, एक रनर एंड चेजर का गेम चल रहा है, ये खुद ही है, ये रनर भी यही है, चेजर भी यही है, सिंपली रनर भी यही है, चेजर भी यही है माय डियर, अलग नहीं है। थैंक यू, चलो देखते हैं क्या मैसेज है। एंड वाओ, यहाँ पर एक एंजल विंग्स दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर एक महिला एंड एक एंजल दिखाई दे रही है। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइफ लाइट, फील योर रिलेशनशिप बींग हील्ड दिस वेरी मोमेंट, रिलेशनशिप हीलिंग चल रही है माय डियर, हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी है, एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, तो उस जगह पर आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, बाकी के लिए, बाकी व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप में एक पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है माय डियर, एट ऑफ कप्स एनर्जी, कुछ लेट गो कर हीलिंग चल रही है, बिकॉज यहाँ पर एक कुछ एक टॉक्सिक साइकिल हो या फिर कुछ तकलीफ, कुछ रिजेक्शन इनको मिली है, ब्रेकअप हुई है, तो उसका हीलिंग चल रही है माय डियर रिलेशनशिप में। लेट्स सी ए पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, ग्रुप नंबर थ्री की पर्सन, थैंक यू व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू, आई हैव सो मच टू से टू यू, I have so much to say to you, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। I'm scared of losing you, I'm scared to losing you, my dear। मैं आपको पहले एक बात बोल रही थी कि इस पर्सन में बहुत डर है, ये आपको छोड़ने में भी इनको डर है कि आप चले जाएंगे, आप मूव ऑन कर चले जाएंगे, बिकॉज आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है बोलने के लिए, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी, धीरे धीरे ये पर्सन रियलाइज करेंगे माय डियर इस कनेक्शन को, पर्दा हट रही है माय डियर धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्या कहना चाहते हैं, थैंक यू, थैंक यू, क्या कहना चाहते हैं, ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, ओ ये जैसे आपसे दूर हो गए या फिर दूर चले गए, बट ये पर्सन खुश नहीं है माय डियर। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर, ओ मैं आपको बोल रही थी पर्सन नर्वस है, डर रहे आपको ओ बात करने, आपके साथ बात करने में, इवन इनको लगता है कि आप रिजेक्ट करेंगे, एंड ए पर्सन को ना सुनना पसंद नहीं है, कि आई डोंट वांट टू मी इग्नोर, आप इनको इग्नोर करो वो भी इनको पसंद नहीं है माय डियर। ओके, जैसे दो कार्ड यहाँ पर आई है,
आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, या अपनी दोस्त के साथ शेयर की है आपकी, आपको लेकर जो इनका फीलिंग्स है वो उन्होंने शेयर की है कोई क्लोज फ्रेंड के साथ. आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू. ए पर्सन एक्चुअल में अगेन एंड अगेन ए फ्लैश बैक करता है माई डियर, बट ए पर्सन खुद बात भी करना चाहते हैं आपके साथ, बट समहाउ आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है एंड आई एम स्केयर्ड, जैसे पर्सन डर है, नर्वस फील कर रहा है बातचीत करने में, बिकॉज इनका थ्रॉट चक्र भी स्मूथ नहीं है माइंड, इट्स वेरी ब्लॉक्ड एनर्जी है. ये पर्सन को ना, मतलब अगर मैं सिंपली कहूँ, बंद किताब के, बंद ताले के जैसे है माइंड हेयर, बट ये बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते. मैं और एक मैसेज देखूँगी. थैंक यू सो मच स्प्रेड गाय. थैंक यू. आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, रियली एम फ्रॉम यू. अपने आप को आपसे छुपाया है माई डियर. सीक्रेट ऑब्जर्वर है, साइलेंट और मैं आपको बोल रही, फेक अकाउंट बनाकर ये देखने वाले भी एनर्जी है. आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू. ए पर्सन आपको ड्रीम भी करता है एंड आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी. ये मैं बोल रही थी ना, ये पर्सन को लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी तय हुई है, आप किसी को प्यार करते हो, तो इस टाइप की कुछ एकदम दुनिया बना चुका है इस थॉट में. दैट्स वाई ये पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा है माइंड हेयर, वरना ये पर्सन अगर इनको कन्फर्मेशन मिल जाए भी, आप भी इनको चाहते हो, तो शायद ये पर्सन थोड़ी स्टेप्स के बारे में सोचेंगे माइंड हेयर लेने के बारे में. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस.